हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हमेशा राशन के ऊपर हमेशा वीडियो बनाता रहता हूं और लोगों के उसके ऊपर गाइड करता रहता हूं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि राशन कार्ड में किस तरह से नाम बढ़ाए जाते हैं। हमको जानकारी ना होने के कारण हम हमेशा अक्सर करके दलालों को पैसे ज़्यादा दे देते हैं, या जो एजेंट के इस तरह के काम करते हैं उनको पैसे एक्स्ट्रा दे के हम अपने काम को करवाते हैं। लेकिन इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि ये जो हमारा चैनल के माध्यम से हम सीखेंगे और अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम बढ़ाना भी सीखेंगे, जिस तरह पिछली बार में सीखा था। अब फैमिली मेम्बर्स का नाम अगर किसी रीज़न की वजह से काटने की नौबत आती है तो वो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूँ कि आप फैमिली मेम्बर के नाम किस तरह से राशन कार्ड में से कटाए जा सकते हैं, वो भी सिर्फ 2 रुपये में, जो गवर्नमेंट रेट होता है। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे इस आसानी से हम नाम को कटा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, राशन कार्ड में से नाम कम करने के प्रोसेस को समझ लेते हैं। मैंने स्टेप वाइज समझाने की पूरी कोशिश की है, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। यह है फॉर्म नंबर 9, जो राशन कार्ड में से नाम कम करने के लिए होता है। राशन दुकान और वेबसाइट दोनों जगह से मिलता है। अगर मैयत का नाम काटना है तो मृत दाखिला लगेगा, और किसी और वजह से नाम काटना है तो आधार कार्ड की कॉपी और जिसका नाम काटा जा रहा है उसका परमिशन लेटर ज़रूरी होगा। मैंने फॉर्म भरने के तरीकों को बहुत आसान करने की कोशिश की है, आप इसको गौर से समझने की कोशिश करें। फॉर्म भरते समय फॉर्म और राशन कार्ड दोनों साथ में रखना है, और ये फॉर्म पर यहाँ पे कार्ड होल्डर का नाम लिखना है, यहाँ पर कार्ड होल्डर का पता। इसके बाद में और आगे बढ़ेंगे तो हमको आ जाना है, कार्ड होल्डर की उम्र लिखनी है, फिर उसके बाद राशन कार्ड नंबर लिख लेना है। राशन कार्ड नंबर कंप्लीट हो जाने के बाद में दुकान नंबर लिख लेना है। उसके बाद में हमारे को आ जाना है आखिरी पेज पर, जहाँ पे राशन जिसका नाम काटा जा रहा है राशन कार्ड में से उसकी डिटेल्स भरनी है और नाम काटने का रीज़न लिखना है। इस तरह फॉर्म कंप्लीट हो गया। जिसका नाम काटा जा रहा है उसका परमिशन लेटर किस तरह बनाए, मैंने इसको समझाने की कोशिश की है, गौर से देखिए। परमिशन लेटर जिसका राशन कार्ड में से नाम कम किया जा रहा है उसी के नाम से बनाया जाता है, और ये जो नीचे एक बटन इंडिकेट हो रहा है ये शहर का डिवीज़न कोड है। आपको अपने शहर का डिवीज़न कोड डाल लेना है और इस तरह से आपका परमिशन लेटर पूरा कंप्लीट हो जाता है। फॉर्म जो लोग राशन ऑफिस से लेना चाहते हैं वो राशन ऑफिस से ले ले, और जिसको नेट द्वारा लेना है हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, यहाँ से भी ले सकते हो। जब फॉर्म कम्प्लीट हो जाए तो उसको राशन कार्यालय में जमा करें और उसकी रिसीविंग कॉपी ज़रूर लें। सब्सक्राइब और लाइक करो।